गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क विद फाइव स्कोरिंग रीजंस फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट। एक जो है डिपिक्ट्स आर्चरी है जो है मार्क जो है टारगेट करना होता है, उसमें फाइव जो है रीजन्स हैं और उनके नाम हैं गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट। और डायमीटर ऑफ रीजन इज प्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। गोल्ड का जो डायमीटर है वो रिप्रेजेंट हो रहा है 21 सेंटीमीटर से और ईच अदर बैंड्स और प्रत्येक बैंड्स 10.5 सेंटीमीटर चौड़े हैं। एरिया ऑफ फाइव स्कोरिंग रीजन्स बताइए, यानी पांचों रीजन्स का एरिया आपको अलग अलग बताना है, अलग अलग नाम से हैं और उनका एरिया आपको फाइंड कर देना है। तो आइए आप एरिया फाइंड करना जानते ही हैं। किसी भी सर्किल का एरिया का फार्मूला आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है और उसके लिए हमने जो यहाँ पर फिगर बनाया उसको नाम दिया गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट। और पहले को हमने फर्स्ट कहा, दूसरे को सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव कह दिया, यानी गोल्ड फर्स्ट है, रेड सेकंड है, ब्लू थर्ड है, ब्लैक फोर्थ है और व्हाइट फाइव है। और सबका अलग अलग हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं आपको रेडियस मालूम होना चाहिए। गोल्ड रीजन का रेडियस दिया है और डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर। इससे हम रेडियस हमने फाइंड कर दिया, 21 को 2 से डिवाइड कर दिया और 10.5 सेंटीमीटर हमें गोल्ड रीजन का रेडियस मालूम हो गया। सो हम एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल फाइंड करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल पाई आर 1 स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 का होल स्क्वायर और उसको सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपको 346.5 cm स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यानी पहले रीजन गोल्ड का आपको एरिया 346.5 मिल जाएगा। और इसके बाद हमें सेकंड रीजन रेड का निकालना है। सेकंड रीजन रेड का हमें एरिया फाइंड करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल है और कॉन्सेंट्रिक सर्किल में जो पोर्शन आउटसाइड का होता है उसका मतलब जो है यूँ कह लीजिए कि रिंग का फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। रिंग का फार्मूला, अगर कोई रिंग बन रहा है इसे रेड और गोल्ड को मिलाकर अगर आप देखें तो यहाँ पर रेड जो पोर्शन है वो रिंग का है। रिंग का फार्मूला पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर होता है, जिसमें आर वन आउटर रेडियस, आर टू इनर रेडियस कहलाता है। आउटर रेडियस और प्रत्येक बैंड दिए गए हैं इसमें कि 10.5 सेंटीमीटर जो है चौड़ाई है, 10.5 इसका रेडियस, 10.5 इसका रेडियस दोनों ऐड हो जाएंगे तो आउटर रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। सो एरिया ऑफ रिंग का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर और आर टू 10.5 में 10.5 ऐड होने पर आपको आर टू 21 मिला। आर वन की वैल्यू 10.5 रख दीजिए और इसको सॉल्व करके और जो आपको मिल रहा है 441 पाई माइनस 110.25 पाई और सबट्रैक्ट कर दीजिए 330.75 पाई, जिसको वैल्यू पाई की रखने पर 22/7 आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर उसके बाद आंसर मिलेगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपने देखा कि रेड रीजन का भी एरिया ऑफ रिंग के फार्मूले से फाइंड किया गया। इसी प्रकार हमें ब्लू का अगर निकालना है तो आउटर रेडियस ब्लू 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तीन बार 10.5 ऐड होंगे और आउटर रेडियस 31.5 मिल जाएगा। और इनर रेडियस तो आपको दो रीजन का 21 मालूम ही है, यानी एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, जहां पर आर 331.5 हो जाएगा और आर 221 हो जाएगा और सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर आपको रिक्वायर्ड एरिया 1732.5
सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप पोल पे चले जाइए, ब्लैक पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आउटर रेडियस जो है चार बार जो है 10.5 जुड़ेगा, जिसकी वैल्यू आप जो है चार बार 10.5 जोड़ेंगे तो 42 मिल जाएगा, और तीन बार जोड़ने पर 31.5, यानी R4 की वैल्यू 42 और R3 की वैल्यू 31.5 यूज करने पर आपको 771.75 पाई जो है एरिया प्राप्त हो रहा है, जिसमें पाई की वैल्यू रखने पर आपको रिक्वायर्ड एरिया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और यही आपका फोर्थ रीजन यानी ब्लैक पोर्शन का एरिया मालूम हो जाएगा। इसके बाद लास्ट पोर्शन यानी व्हाइट का एरिया निकालने के लिए 10.5 को आपको कितने बार जोड़ना पड़ा है, 5 बार और 10.5 जोड़ते चले जाएंगे 5 बार और आपको मिलेगा 52.5, यानी R5 की वैल्यू 10.5 मिलेगी। R4 आप पहले से ही निकाल चुके हैं, 42 वैल्यू रख दीजिए, 5 42.5 का होल स्क्वायर माइनस 5 42 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व कर दीजिए तो 992.25 पाई प्राप्त हो जाएगा, और पाई की वैल्यू रखने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और आपको रिक्वायर्ड वैल्यू जो प्राप्त होगा वो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही रिक्वायर्ड एरिया हो गया। यानी आपको पांचों रीजंस का एरिया फाइंड करना था। पहला रीजन तो गोल्ड है आपका सर्किल, और सर्किल के फार्मूले से फाइंड किया गया। उसके बाद जितने भी रीजंस मिल रहे हैं वो रिंग के रूप में है, रिंग का एरिया, और रिंग का फार्मूला आपका होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी आउटर रेडियस में से इनर रेडियस या आउटर एरिया में से इनर एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर आपको रिंग का एरिया मालूम होता है, और उसी का यहाँ पर इस्तेमाल करके पांचों एरियाज फाइंड किए गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप कल देखेंगे। दैट्स ऑल।